तो यार अभी फाइनली उस लोकेशन पहुंच चुके हैं जहां पे लाल बाग से राजा हैं भाई। पंडाल के अंदर भी फ्री का पानी कैसे मिल सकता है। तो भाई कुछ इस तरीके से ना लाइन में घूमना पड़ेगा भाई, लाइन में घूमते रहो भाई, घूमते रहो घूमते रहो। वी आई पी लोग हैं उनको क्या है, यहाँ से सीधा एंट्री मिलती है भाई, इधर से सीधा एंट्री मिलती है। जो गणेश जी है ना उनको कभी भी वाइट रंग का फूल कभी भी चढ़ाते हैं। हाँ तो मुझे लगता है इस पंडाल के अंदर ना अभी अराउंड 30 से 40 हज़ार लोग होगा भाई। पंडाल के अंदर आ जाए ना उनके पास भीड़ कम से कम 40 से 50 हज़ार भीड़ भाई इस समय मौजूद है लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। ये हाल है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं लाल बाग का राजा है ना उनका जो मेन एंट्रेंस गेट है वो कुछ इस तरीके का बनाया गया। बाकी एंट्री गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया या फाइनली गणपति बप्पा जी ने हमें बुला लिया अपनी सिटी यानी कि मुंबई के अंदर। तो कल रात मुंबई के अंदर आ गए थे भाई और जो गणपति जी का आगमन है ना वो तो दिखा नहीं पाएंगे, मगर गणपति जी जो मतलब मुंबई के सबसे फेमस गणपति हैं लालबाग के राजा उनको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लालबाग के अंदर, लोअर परेल पे उतरे थे भाई। अगर आपको लालबाग आना है तो लोअर परेल पे उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है भाई आधा किलोमीटर का, वहाँ से उतर के आप जा सकते हो लालबाग के राजा है ना जहाँ पे विराजमान हुए वहाँ पे। तो कुछ ऐसा माहौल है भाई अभी हम लोग भी वॉकिंग डिस्टेंस से जा रहे हैं भाई लालबाग के राजा जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे बनाया जा रहा है लालबाग का जो उत्सव है मतलब गणेश चतुर्थी का उत्सव है वो। तो अभी चलते हैं भाई, तो बस अभी थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं लालबाग के जो राजा है ना उनके पास। अगर लालबाग के राजा की बात की जाए ना तो मुंबई के अंदर सबसे बड़े जो गणेश जी की मूर्ति होती है गणेश चतुर्थी की तो वो लालबाग में ही होती है भाई। तो अभी हम लोग भी भाई वही देखने जा रहे हैं कितनी बड़ी है। बाकी इस बार जो लालबाग के जो राजा है ना उनकी जो मूर्ति है भाई वो 12 फीट की है भाई। अभी बाकी कुछ ऐसा नज़ारा ऐसा है भाई इसके अंदर क्या है यार देखना पड़ेगा भाई, यहीं तो नहीं है कुछ। ये भाई देख लो यहाँ का मेन गेट है मुंबई का राजा भाई यहीं पर है, मुंबई का राजा है ना जो वहीं पर है। अभी शायद भाई टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, देखते हैं भाई टिकट विकेट लेते हैं यार एंट्री करते हैं इसके अंदर। तो अभी आप लोग ये देख रहे हो ना ये मुंबई का राजा है भाई। तो अभी हम लोग को यहाँ पर जाना है, पहले आपको सबसे पहले दिखाई है कि जो लालबाग का राजा है ना वो दिखाना है क्योंकि लालबाग का राजा सबसे ज़्यादा फेमस है भाई मुंबई के अंदर। तो पहले हम लोग वो देखेंगे इस वीडियो में और वहाँ की जो डिटेल है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी चलते हैं वहाँ पर लालबाग के राजा को देखने। तो यार आप लोग क्राउड देख सकते हो यार जो मुंबई का राजा है ना मतलब कि लालबाग का राजा उसको दर्शन करने के लिए ना कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है। ऐसा सुना गया है कि भाई जो लालबाग के राजा है ना उनके दर्शन करने के लिए भाई करीबन 8 से 9 घंटे की लाइन लगती है भाई। तो अपन अभी जाके देखेंगे कि कितनी लंबी लाइन लगी है और क्या क्या है भाई। बाकी जितने भी यहाँ पे ना सारे साइड में ना स्ट्रीट फूड के हैं तो आपको कुछ भी खाना हो तो यहाँ पर मिल सकता है इजीली। बाकी भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई अभी यहाँ पर। तो भाई अभी पता नहीं क्या हो गया भाई एकदम से एम्बुलेंस आई और जल्दी से किसी को लेके जा रही है भाई, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया भाई यहाँ पर। ये देख सकते हो भाई कोई किसी को मतलब बीमार है चोट वोट लग गई है तो इसलिए एम्बुलेंस तुरंत आ गया भाई। और बाकी ये हाल है भाई, बारिश हो रही है भाई यहाँ पे दबा के भाई, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा बारिश है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो हर 10 मिनट में 5 मिनट में बारिश रुक जाती है भाई, हर 10-5 मिनट में चालू हो जाती है। तो कभी भी यहाँ पे धूप निकलती है कभी भी बारिश चालू हो जाती है, कुछ भी पता नहीं है यहाँ के मौसम का। बाकी ये देख लो भाई नज़ारे यहाँ पे। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं लाल बाग का राजा है ना उनका जो मेन एंट्रेंस गेट है वो कुछ इस तरीके का बनाया गया। बाकी एंट्री का देखते हैं भाई एंट्री कहाँ से, बाकी भाई सब लोग भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। बाकी अभी अपन देखेंगे कि एंट्रेंस का गेट कहाँ से जहाँ से हम एंट्रेंस ले सकें तो वहाँ से आपको दिखा सकते हैं शायद दर्शन हो जाएँ आप लोगों की और मेरे भी। तो अभी देखते हैं भाई किधर से हमें एंट्री मिलेगी भाई मतलब कि जो हमारे लालबाग से राजा ना भाई अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है यार। तो लाइन में तो लगने का मन कर रहा है, अगर जाऊँगा मैं अंदर और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। तो अभी एंट्रेंस देखते हैं भाई किधर से है इसका। तो यार जो लालबाग के राजा है ना उनके दर्शन करने के लिए भाई 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो अभी लाइन देखते हैं भाई कितनी बड़ी है। बाकी यहाँ पर जो लालबाग के राजा के जो मेंबर होते हैं ना जो कमेटी मेंबर होते हैं उनसे पूछा था कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो वो बोल रहे थे कि भाई 4 से 5 घंटे लगेंगे दर्शन करने के लिए, अगर कैमरा अलाउ होगा तो चलेंगे भाई इसके अंदर। तो यार मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि पब्लिक जो लाइन है ना वो कहाँ से स्टार्ट होती है भाई। तो मुंबई रिसाइज देख लेना भाई वहाँ से पास में ही भाई पब्लिक की जो लाइन है ना जो मुंबई से राजा के हैं मुंबई के राजा हैं जो उनकी जो लाइन शुरू होती है ना वहीं से शुरू होती है भाई। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, टाइम नोट कर लेते हैं भाई। टाइम हो रहा है 12:51 और अपन देखते हैं दर्शन कितने बजे कर पाते हैं। ऐसा हुआ है कि कैमरा अलाउ है भाई, अब पता नहीं कैमरा अलाउ है या नहीं है, वो वहीं पर जाके मेन गेट जाके पता चलेगा।
बाकी भाई बारिश हो रही है, थोड़ी देर बारिश रुक जाएगा तो दर्शन अच्छे से हो जाएंगे भाई, वरना सब भीग जाएंगे, छाता वाता लाए नहीं है। तो जो लाल बाग के राजा है ना, जो मुंबई के सबसे बड़ा जो पंडाल लगता है ना, वो लाल बाग के राजा का लगता है। बाकी पंडाल के बाहर जहाँ से पब्लिक लाइन शुरू होती है, वहीं को आपको खाने पीने की सामान मिल जाएगा भाई, इस तरीके का प्रसाद ही मिल जाएगा, नारियल और फूल। वैसे यहाँ एक कॉमन प्रसाद है भाई, प्रसाद नहीं बोल सकते उसको, फूल बोलते हैं भाई। और एक बात ये भी है कि जो गणेश जी है ना, उनको कभी भी वाइट रंग का फूल कभी भी नहीं चढ़ाते हैं। और जो गणेश जी है भाई, उनको जो तुलसी माता है ना, उनका भी नाम नहीं लिया जाता उनके सामने, क्योंकि वो उनसे नफरत करते हैं, उनका विवाह का कुछ था तो ऐसा माना जाता है भाई, और ऐसा बोला भी जाता है, जो हमारे पंडित है वो बोलते हैं। बाकी ये हाल है भाई अभी, मतलब कि पंडाल में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई। तो भाई अभी लाइन में लग चुके हैं, ये लोकेशन थी भाई, यहाँ से घुसे। और भाई इधर कितना चिकन का स्मेल आ रहा ना बहुत ज़्यादा। बाकी भाई ये हालत है भाई अभी, ये देख सकते हो अभी एंट्रेंस दे रहे हैं भाई, और जो यहाँ पे एंट्रेंस है ना, वहाँ पे मशीन भी लगा दी गई है भाई, ताकि आप लोगों को चेक करना है कि भाई आप कुछ हथियार वथियार तो लेके अंदर नहीं जा रहे हो। तो जैसे भाई साहब ये देखो हालत यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है भाई अभी इस समय यहाँ का। भाई देखते हैं भाई कितना देर में नंबर आएगा अपन का, और आप सबको दर्शन कराएंगे। बाकी भीड़ की हालत देख लो भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई अभी पंडाल के अंदर। तो भाई कुछ इस तरीके से ना लाइन में घूमना पड़ेगा भाई, लाइन में घूमते रहो भाई, घूमते रहो घूमते रहो भाई, 3 से 4 घंटे में नंबर आ जाएगा। बाकी देखते हैं, ऐसा बोल रहा है कि जाके जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है ना, वहाँ पे खाली पड़ा है भाई, तो अपन देखेंगे भाई खाली कितना ज़्यादा खाली है कितना नहीं है। बाकी अभी देख लो भाई, पंखे वंखे सारा लगा, एडवर्टाइजमेंट हो रही है भाई, सब कुछ हो रहा है भाई अभी देख सकते हो। बाकी एडवर्टाइजमेंट कितनी हो रही है भाई, आईटेल जो कंपनी है ना, वो इतना एडवर्टाइजमेंट कर रही है भाई ऋतिक रोशन भाई, हर जगह भाई देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है यार अभी। कहाँ से मुझे लगता है इस पंडाल के अंदर ना अभी अराउंड 30 से 40 हज़ार लोग होगा भाई पंडाल के अंदर, क्योंकि कंटिन्यू भाई दर्शन करने के लिए जा रहा है भाई। हमें ऐसा ग्राउंड माउंड मार के भाई वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो अभी ऐसा राउंड मारना पड़ेगा भाई फिर से। भाई लाइन में चलते चलते ना आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, कुछ भी चाहिए ना तो आप ले सकते हो, मतलब कि अगर आपको भूख प्यास लग रही है तो। और ऑब्वियसली बात है, अगर लाइन में यार अराउंड 3 से 4 घंटे खड़े हो गए तो भाई पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो उस हिसाब से कर रखा है कि भाई कुछ जो वर्कर्स हैं जिनको मतलब जिनकी दुकान है उन्हें अंदर अलाउ कर दिया है या परमिशन लेकर उन्हें जैसे भी करा है, बट यहाँ पर क्या है आपको पानी वानी खाने वाने का मिल जाएगा लाइन के अंदर ही। तो यार अभी पता है हम लोगों को कहाँ से एंट्री ली थी भाई, यहाँ से हमने एंट्री ली थी इसके अंदर से, और अभी कम से कम आधा घंटा हो गया भाई घूमते घूमते, यहाँ से कम से 15 से 20 लाइन भाई क्रॉस कर ली अभी, और 3-4 रह गई हैं, 3-4 आगे भाई कम से कम 20 से 30 लाइन है वो क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे भाई दर्शन करने के लिए, वहाँ भी लाइन लगानी पड़ेगी भाई। तो अराउंड भाई अभी मुझे लगता है 2 घंटे तो लगेंगे भाई दर्शन करने के लिए भाई, क्राउड बहुत ज़्यादा है यार अभी। आज तारीख है भाई, आज तारीख कितनी है, आज भाई 20 तारीख है, यानी कि 19 तारीख को विराजमान हुए थे, और आज उसके अगले दिन आ पाए, क्योंकि भाई तो बताइए ट्रेन लेट हो गया था यार इस चक्कर में, अभी लेट हो गया भाई बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं भाई क्या करना पड़ेगा, अभी आगे चलते हैं भाई लाइन में। और भाई यहाँ से ना एक फुटबॉल ब्रिज से बना रखा है, ताकि इसको क्रॉस करके ना आपको जाना पड़ेगा, जो VIP लाइन है उसके लिए मैं उसको दिखाता हूँ कि VIP लोग जो है वो किस तरीके से आ रहे हैं भाई, और किस तरीके से जा रहे हैं, कोई बीमार होता है ना उसके लिए भी भाई सारा इंतज़ाम कर रखा है भाई, जो भी यहाँ के कमेटी के लोग हैं भाई, जो VIP लोग हैं उनको क्या है, यहाँ से सीधा एंट्री मिलती है भाई, इधर से सीधा एंट्री मिलती है, और जैसे यहाँ दर्शन कर लेते हैं, जो भी न्यूज़ वाले ना वो सब यहीं से भाई एंट्री लेते हैं, बाकी वहाँ पे न्यूज़ भी चल रही है। और सामने भाई अभी ये वाला क्रॉस करना पड़ेगा भाई अराउंड, ये तो थोड़ा जल्दी लग रहा है, बट आगे जाके जहाँ पे है ना वहाँ पे भाई भीड़ बहुत ज़्यादा भाई, इस तरीके से भाई एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगा दी है भाई, कोई बीमार होता है तुरंत एम्बुलेंस उसको लेके जाती है भाई। तो भाई अभी जो मैंने बताया ना फुट ब्रिज से बना रखा है, ताकि उस पार पहुँच जाए हम लोग, तो 2 कॉम्बाइन बना रखे हैं कि लाइन के लिए, एक उस पार एक इस पार, तो अभी भाई इस तरीके से फुट ब्रिज पे होके हमें उस पार जाना पड़ेगा, और उस पार पहुँच के फिर से जैसे अभी हम लाइन में घूम रहे थे ना इसी तरीके से उधर भी घूमना पड़ेगा भाई हमें, तो ये ब्रिज से बना रखा है भाई यहाँ पे। अभी लोगों को ना थोड़ी सी लाइन खाली मिली भाई, देखो इस तरीके से शॉर्टकट भी मार दे रहे हैं लोग भाई, ये देखो आंटी की
शॉर्टकट मार दिया भाई। इस तरीके से कंटिन्यू लोग भाग रहे हैं भाई लाइन में, ताकि हम लोग जल्दी से पहुंचे दर्शन कर ले भाई। इसलिए लोग बहुत फास्ट तेजी से भाग रहे हैं भाई, देख सकते हो भाई पूरी तेजी से लोग भाग रहे हैं भाई यहाँ पे अभी कि भाई ताकि लोगों को दर्शन है भाई। एक कृपा मेरी परमिशन भाई, इस तरीके से ना गंदगी ना फेंकाएं, क्योंकि आप लोग अच्छी व्यवस्था कर रखे तो प्लीज़ यार गंदगी ना करें बिल्कुल भी पंडाल के अंदर। तो यार ना पंडाल के अंदर पानी का भी इंतजाम कर रखा है भाई लोगों ने, तो भाई एक गिलास पानी पी लेते हैं भाई जल्दी से हम लोग। अगर प्यास व्यास लग रही है ना पंडाल के अंदर ही भाई पानी के अंदर जाना, फालतू में खरीदने की तो जरूरत है नहीं। फिर आपको दिखा जाएगा कि पंडाल के अंदर भी फ्री का पानी कैसे मिल सकता है, क्योंकि जो दुकान वाले हैं ना जो वर्कर थे वो भाई उस पानी को ना 30 से 30 रुपये का भेज रहे हैं भाई। देखो क्या हरकत है भाई, दर्शन करने आ रहे हैं भाई लाइन तोड़ दे रहे हैं भाई। मुझे नहीं लगता भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई लाइन तोड़ना अच्छी बात है कि गलत बात है। आप लोग उसके लाइन कंटिन्यू लोग तोड़ रहे हैं भाई। तो यार अभी लोग ना इतनी तेज तेज से भाग रहे थे, बट हुआ क्या लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है लास्ट में भाई। ये देखो फिर से लाइन लग गई भाई, पब्लिक इतनी है कुछ भी नहीं कर सकते आप, लाइन तो लगानी पड़ेगी आपको, वो भाई कंपलसरी है, लाइन लगाना मजबूरी बन जाएगी। देखो भाई लोग बोल रहे हैं किधर से आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, आप 10-20 लोग आगे निकल जाओगे भाई, उससे तो कुछ नहीं होगा, उसका आपको पीछे जाना पड़ेगा भाई। भीड़ को हम पार करके आए, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को क्रॉस करने का हम लोग आए, और यहाँ पे फिर मशीन लगा दी गई है, फिर यहाँ से भाई एंट्री करके अंदर जाना पड़ेगा भाई। और देखते अंदर जाके कितना भीड़ है भाई, अभी वो देखना पड़ेगा भाई, अंदर जाके तो दबा के भीड़ है भाई इसमें, ये देख सकते हो मेरा बहुत ज़्यादा क्राउड है अंदर, लिमिट से ज़्यादा क्रॉस है, बताइए लिमिट पार हो चुकी है बताइए क्राउड की इतना ज़्यादा लिमिट। देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगेगा हमको अंदर दर्शन करने के लिए, वो देखना पड़ेगा भाई। गेट आ चुका है जहाँ से मतलब और लाइन चालू हो रही है, तो अभी कुछ इस तरीके का एक और गेट है भाई, ये देख सकते हो भीड़ देखो भाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब ने भाई लाल बादशाह राजा का कैप जो है ना वो पहन रखा है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई इस समय। तो भाई अभी सामने ही गणपति जी हैं जो विराजमान है वो मैं देख चुके हैं, और कुछ ही देर में आप लोगों को भी दिखाया है किस तरीके से गणपति जी यहाँ पे जो लाल बाग के राजा है ना वो किस तरीके से विराजमान है भाई, अपन ने तो देख लिए भाई, और आप सबको भी दिखाएंगे। बाकी क्राउड देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है भाई अभी यहाँ पे, दबा के क्राउड है भाई इस समय भाई, सामने देख सकते हो वो वहाँ पे विराजमान है भाई, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थित है अभी, तो देखते हैं दर्शन कितनी दूरी से हो पाएंगे। बाकी भीड़ देख लो भाई, फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पे लाल बाग के राजा हैं भाई, और जो इनकी आप लोग मूर्ति देख रहे हो ना भाई ये इस साल 11 फीट की बनाई गई है भाई, तो वो सॉरी 12 फीट की है भाई।
के राजा के दर्शन करने के बाद इस वाले गेट से आप लोग ना एग्जिट लोगे और फिर बाहर के लिए भीड़ देख लो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे। तो भाई यही है, दर्शन कर लिए, दर्शन अच्छे से हो गए भाई अपन के, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ दर्शन करने में। बट हाँ भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, करीबन मैंने कितने बजे स्टार्ट किया था भाई, मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया भाई, 1.5 घंटे में दर्शन हो पाए और काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, मुझे लगता है मैंने कम से कम में। तो अभी ना भाई अभी जैसे एग्जिट लोगे ना तो वहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं भाई, ये मोदक के भाई, तो भैया ऑन कर रहे हैं। कितना रुपए के जी है मतलब मोदक? 500 रुपए के जी। और ये क्या चीज़ है? ये मिल्क केक रहता है। ये स्वीट हलवा रहता है? हाँ, ये स्वीट हलवा मिल्क केक ये सब चीज़ रहता है भाई। तो भैया की शॉप देख लो भाई, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मैंने देखा था खा के, तो कभी भी आना तो ले सकते हो यहाँ से। तो भाई दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छे से गणेश जी जो भी मांगना था मांग लिया भाई। और बाकी अभी यहाँ से एग्जिट लेंगे, अब एग्जिट की लाइन देखो भाई कितनी ज़्यादा लंबी है, एग्जिट की लाइन वो मैं आप सबको दिखाता हूँ भाई कितनी ज़्यादा लंबी है। बाकी आपको ये पोस्टर वोस्टर लेने हैं ये सब मिल जाएगा आपको गणपति जी के। तो भाई ये देख सकते हो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है भाई अभी, मतलब आपको पता है कल ही विराजमान हुए हैं भाई गणपति जी लालबाग में। तो लालबाग का कैसी ना, लालबाग में मैं एग्जिट शोर में तो आप लोग बताना कि यहाँ पर मतलब इतना क्राउड क्यों बनाया जाता है लालबाग के, जो राजा है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं पूरे वर्ल्ड में भाई, और मुंबई के तो है ही है सबसे ज़्यादा फेमस। तो क्राउड भाई देख सकते हो भाई इतना ज़्यादा, बारिश का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बारिश होती है ना तो गंदगी थोड़ी सी ज़्यादा होती है यार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने दर्शन हो चुके हैं भाई और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी ज़्यादा लकी था कि वहाँ पर जो पंडाल था गणेश जी थे उनके सामने करीबन हाथ पैर छुए, आराम से दर्शन किए उनके, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट खड़ा हुआ। भीड़ काफ़ी थी, 3 घंटे लग गए, दो घंटे लग गए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी बट दर्शन काफ़ी अच्छे हुए भाई। और तो ये दिखाना था कि यार अभी इस समय कितनी भीड़ चल रही है लाल, तो अगर आपको लालबाग के दर्शन करने यानी लालबाग के जो राजा है जो मुंबई के सब फेमस है भाई, तो आपको यहाँ पर कैसे आना पड़ेगा उसका थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। तो आप कोई भी जो लोकल ट्रेन का स्टेशन होता है ना वहाँ से पकड़ के आप आ जाओ लोअर परेल आ जाओ, तो लोअर परेल से ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी जो मेन पंडाल है उसका लोकेशन देता हूँ, वो हिल्ला टावर करके है, आप किसी से भी पूछ लेना हिल्ला टावर कहाँ पे, बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। तो हिल्ला टावर आके आप लोग मतलब कि पूछ सकते हो किसी से कैसे जाना है पंडाल के पास। बाकी भाई अब प्रतिदिन भाई यहाँ पर क्राउड बढ़ता जाएगा भाई, अब भी समझ लो मेरे को लगता है करीबन जो लालबाग के राजा है ना उनके पास भीड़ कम से कम नहीं तो 40 से 50 हज़ार भीड़ भाई इस समय मौजूद है लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए। ये हाल है भाई, हम लोग यहाँ से एग्जिट हुए थे, एंटर हम लोग उधर से हुए थे, मतलब एग्जिट और एंटर में ना कम से कम 200 मीटर का डिस्टेंस है भाई, तो 200 मीटर का डिस्टेंस समझ रहे हो ना, तो कितना लोग क्राउड होगा भाई इस समय ये सब। बाकी जो गणपति जी की थीम लगाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगाई है यार, आपने देखा ही था। तो ये देखते हो भाई, बाकी भाई मुंबई पुलिस को भी सलाम देना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस भाई इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और भाई हम लोगों का सहायता कर रही है। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो NGOs हैं, NGOs वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और मतलब कि सब कुछ मैनेज कर रहे हैं भाई। तो ये ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा कि एक ग्रुप में मतलब कि ये लोग सब काम करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये देख सकते हो भाई फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए भाई यहाँ पे, क्योंकि यही है भाई लालबाग का राजा। तो भाई लालबाग का राजा बोलते हैं, देख लो मेन एंट्रेंस गेट में शुरू में भी दिखाया था, आखिरी में भी दिखा देता हूँ किस तरीके का है भाई लालबाग का राजा का मेन एंट्रेंस गेट। भाई ये देख सकते हो ये है भाई गेट, भाई साहब भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई ये देख सकते हो। तो जो यहाँ पे तस्वीर दिख रहे ना यही थे भाई जिन्होंने मतलब ये शुरू किया था गणपति जी का स्टार्टिंग, ये गणेश चतुर्थी बनाएंगे। और ये देख लो भाई भीड़, क्राउड अल्टीमेट क्राउड है भाई, अल्टीमेट तरीके से भाई। आप भी आओ, अगर नहीं आ पा रहे हो ना तो लिखो भाई कौन से सिटी से आप लोग वीडियो देख रहे हो भाई, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ ना, तो एक बार मेरे लिए और गणपति जी के लिए बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरया, और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन करना है यार कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। तो के लिए खुश रहिए, आवाज़ रहिए, मेरी तरह ट्रेवलिंग करती है। जय हिंद, जय भारत, गणपति बप्पा मोरया।